हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द गर्ल्स स्क्वाड। मेरा नाम है प्रीति। मेरा नाम है प्रीति सिंह। तो आज हम लेकर आए हैं रजतवार की रोस्ट वीडियो। क्या नाम है? क्रिंजी इंस्टाग्राम फैशन रील्स रोस्ट गीस इनडायरेक्टली उर्फी जावेद। उर्फी जावेद का नहीं, मैं सपोर्ट इनडायरेक्टली। हाँ करी स्टार्ट। हाँ करी स्टार्ट। यस, वन टू थ्री। .com पर फैशन की आंधी पहले भी आई थी, मतलब जब लोग अपनी छाती पर दूसरा आदमी अंगूर के गुच्छे की तरह लटका के घूमते थे, पर फैशन की दुनिया में इतना हाहाकार कभी नहीं मचा था जितना ये बिन कांटे की तड़पती हुई मछली जैसी युक्ति उर्फी ने मचा दिया। एक टाइम था लोग घास में गिरा करते थे, इसके ऊपर घास खुदा के गिर गई। मुझे इसका फैशन अब समझ में आना ही बंद हो गया है। मुझे तो आप लोग बताओ, क्या है ये, घास में घुसा हुआ गिरगिट या घास में अपना मूत्र विसर्जन करके पिछवाड़ा पोंछता हुआ कुत्ता? और एक तो ये उर्फी दीदी फैशन में इतनी ज्यादा डूबी हुई है कि उस मट्टी पर किसी कुत्ते की टट्टी भी पड़ी होगी ना तो भी इनको पता नहीं चलेगा, उसको भी लगे रहने दिया होगा अपने फैशन के अनुसार। ये तो टट्टी है। बचपन में अगर मैं चड्डी भी उल्टी पहन लेता था तो मेरी मम्मी डांट के उसको सीधा करवाती थी, और आज तो फैशन के नाम पे इतनी धूम मची हुई है कि अगर पूरी पैंट भी उल्टी पहन के चल जाऊंगा ना तो लोग गाली नहीं देंगे, बस उर्फी का भाई बोल के मेरे को जाने देंगे। ज्यादा बड़ी गाली है। क्या हुआ? तुम्हारी जीन्स कहाँ है? जीन्स तो मैंने अपनी पहनी थी ना। ये कटक माँ की सूखती कटक देख मोगी तना बड़ा खागा मारा बाबा जी के बेटे के टांग टेंशन से एका तब बाबा जी के मौत का संभाल लेरा घोड़ा तब बाबा जी के। ये जीन्स उल्टी पहने या फिर चप्पल सर पे चिपका ले, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सब जान चुके हैं कि इन सब हरकतों से इसको पैसे मिलते हैं। पर इससे ज्यादा इससे इन्फ्लुएंस होकर हमारे देश के युवा कुकर की सीढ़ी बन के भी रस्ते पे निकलने को तैयार है। बेचारी चड्डी आज तक मानव जाति की इज्जत बचा रही थी, आज उसको पैसे बचाने का भी मौका मिल गया। मतलब 200-300 रुपए की शर्ट खरीदने से अच्छा भाई ने 50 रुपए की थाई जैरेट की चड्डी खरीद ली है। एक तो ये कीड़े मकोड़ों के नाम की कंपनियों की चड्डियां मिलती कहाँ से इन लोगों को, मुझे समझ नहीं आता। वैसे कीड़े मकोड़े का कम और पोकेमोन का नाम ज्यादा लग रहा है। थाई जैरेट, मैं तुम्हें चुनता हूँ, जाओ जाके सामने वाले की चड्डी फाड़ दो। वैसे इसको जब सबसे पहली बार मैंने देखा था तो मेरे दिमाग में यही आया था कि प्याज की बोरियां पहनी है, जब पादेगा तो सड़े हुए प्याज की बदबू आएगी क्योंकि जहरीली हवाएं निकलेंगी तो वहीं से होके ना। और इससे ज्यादा सोचने वाली बात यह कि आप सोचो कभी रोड पे जा रहे हो और आपके सामने एक कमसिन हसीना आ जाए अपनी प्याज की बोरियां पहने हुए। भाई मेरे सामने आई तो मैं तो अपनी गाड़ी छोड़ के पैदल भाग जाऊंगा, भले ही भागते भागते मेरे पैरों में ठोकर लग जाए पर इसकी बीमारी वो ना लग जाए, ना नक को बिल्कुल नहीं। और हाँ दोस्तों, मैं एक चैलेंज लेना चाहूंगा, अगर मेरी इस वीडियो पे 250 के मतलब 250,000 लाइक हो जाते हैं तो मैं इसके घर जाके इसको पर्सनली रूपक की चड्डी गिफ्ट करके आऊंगा। कब तक ये ढाई जैरेट की चड्डियां पहने बेचारे। बिचारी उड़द की डाल भी सोच रही है कि मुझे तो कुकर में जाके सीटी लगनी थी, ये मैं किसी की पन्नी में कहां से आ गई, और बिचारी एंटी ने इसको डाल दी थी बनाने के लिए, ये पन्नी में डाल के उसको पहन के निकल गई। वैसे इसको देख के मुझे मेरे साइंस का प्रोजेक्ट याद आ गया। जी हाँ, बचपन में एक प्रोजेक्ट होता था जहाँ पन्नी में दाल भर के कहीं पे चिपकानी रहती थी पेपर पर, लिखना पड़ता था कि कौन सी दाल है। पूरा का पूरा साइंस प्रोजेक्ट बन के घूम रही है। और हाँ, इसके घर वालों की जिंदगी में आधी परेशानियां तो इसके होने की वजह से, मतलब घर में पानी नहीं आया है कल से क्योंकि पूरे मोटर के टंकी के पाइप तो ये लपेट के घूम रही है। और ऊपर से ऐसा फैशन करके इच्छाधारी मक्खी लग रही है जो विकसित होते होते कुछ और ही बन गई। और लोग जब घर से भागते हैं, लड़कियां घर से भागती हैं शादी करने के लिए, तो वो घर से गहने कपड़े वगैरह लेके भागती हैं, और ये जब भागेगी तो ये पाइप मोटर टंकी रद्दी कागज पेपर ये सब लेके भागेगी। लोग भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये शादी करने भाग रही है, कबाड़ी वाला कबाड़ी लेके जा रहा है। जिंदगी पजामे जैसी हो गई है, चैन है ही नहीं। दीदी वैसे तुम्हारे पास तो पजामा भी नहीं है, और इतने स्टिकी नोट्स तो मेरे कंप्यूटर में नहीं खोले मैंने कभी जितने दीदी खोल के घूम रही हैं। और एक तरफ दुनिया पेड़ बचाने के लिए कागज बचाने के लिए मोबाइल कंप्यूटर का यूज कर रही है, डिजिटल हो रही दुनिया, और ये दीदी अलग है जहाँ कपड़े यूज होने चाहिए वहाँ भी पेपर यूज कर रही है। जिंदगी पजामे जैसी हो गई है। और ये पदोड़े फैशन इन्फ्लुएंसर्स किसी के सगे नहीं है भाई साहब, ये बच्चों के भी दुश्मन है, कभी कभी तो टॉफी भी लपेट लेती है ये। क्या चाहिए तेरे को, बस तू बोल ब्रदर। तो कभी बच्चों के फुग्गे बांध लेगी।
देखने वालों ने तो फुग्गी में नहीं देखा होगा, वैसे कोई देखना भी नहीं चाहता था, पर एक बात है दीदी ने जो ट्राई करा है नाइस ट्राई दीदी, पर प्लीज दोबारा मत करना। और अगर फुग्गे पहनने ही थे तो बिना फुलाए पहन लेती, ये फुला के पहनने की क्या जरूरत थी padodafashion.com। तुम्हारे चक्कर में बच्चे अपने माँ बाप से फुग्गे मांग रहे हैं, और एक टाइम था जब सामने वाले का फैशन देख के उसकी सोच समझ आती थी, फैशन के नाम पे फुग्गा लपेट के घूम रहे हैं, कैसी सोच है ये फुग्गा सोच। और कुछ लोग तो बेचारे कुछ पहन ही नहीं रहे फैशन के नाम पे, कैसी लंगू पुंगू सोच है ये। और कल तो मैंने कुछ देखा तो कोई खाने पीने की चीज लपेट के घूम रहा था, कल को कांदा भजिया लपेट के घूम लेना, समझ ही नहीं आएगा सामने वाले को क्या हाय हेलो करें या उठा के गर्म तेल में लाए। अरे रे रे, ये बिचारी हमारी पगलू तो फैशन के प्यार में इतनी पागल हो गई है कि कुछ समझ ही नहीं आता कि किसी चीज के साथ क्या किया जाए। कोई काज देता है देखने के लिए ये उसको पहन लेती है, कोई कीवी देता है खाने के लिए ये उसको पहन लेती है, कल को कोई रुमाल देगा हाथ पहुंचने के लिए ये उसको खा जाएगी, क्योंकि कीवी तो पहन लिया ना अब यही खाना पड़ेगा। वैसे खाने में तो इसको लोगों का दिमाग पसंद है, और इसके चक्कर में पदोड़ा इन्फ्लुएंसर जाग उठे हैं, उनको समझ आ चुका है कि कुछ भी करो बस उल्टे सीधे कपड़े पहन लो, लोग देख ही लेंगे। तो पेश है आपके सामने खटमल मोहल्ले से कीचड़ गली का शीला का गीला कच्चा। ओहो, इतनी तो भाई साहब रियल शीला भी फ्लेक्सिबल नहीं है जितना ये बेसन का चीला फ्लेक्सिबल है, इसके ठुमकों से आसपास के अंकल लोग तो बेहोशी हो जाते होंगे, है फिर बेचारों को चश्मा लगा के देखना पड़ता होगा कि ये तो शीला नहीं है ये तो लोहे का कीला है। पर दुख भी तो कितना है बेचारे कीला की जिंदगी में कि फेमस होने के लिए लोगों की नजरों में आने के लिए बहन के कपड़े चुरा के पहनने पड़ते हैं, दुख तो मेरी जिंदगी में भी है दोस्तों। तुमने वीडियो लाइक ना करी अभी तक, लाइक कर दो प्लीज। अरे रे रे, बेचारी बहन के कपड़े बेसन का चीला रील के चक्कर में ढीला कर देगा है, उसको अभी पता चल गया ना कि उसकी फेयरवेल की साड़ी यहाँ पे नंगी धूप में पहन के नाड़े वाड़े खोल के उसके अश्लील हरकतें कर रहा है, तो लहरा लहरा के तमाचे देगी जैसे तेरी बहन तुझे बचपन में तमाचे मारती थी। है मैं थोड़ी ना अपनी बहन के कपड़े पहनता हूँ जो वो मुझे तमाचे देगी, कुछ भी बोलता है वो तो सबको पता है। मैंने 11th क्लास में 10-15 दिन जिन लड़कियों के 1-2-1-2 कहने पे डांस किया ठुमके लगाए, उन लड़कियों से ज्यादा अच्छा डांस करता है मधुमक्खा, पर बेचारे को लोगों की अटेंशन के लिए नजरों में आने के लिए ऐसे उलझुल से कपड़े पहनने पड़ते हैं लड़कियों के, अपनी बहन के अपनी मम्मी के हैं, मतलब ठीक है फैमिली का तो सहारा लेना पड़ता है, पर ठीक है भाई अगर तेरे को डांस आता है तो तू डांस करना, ये कैसी हरकतें हैं, छपरी रीलर क्यों बन रहा है। लाइफ ऑफ विलेज, भाई तूने अपनी छत पे जो छोटा सा गांव बसाया है ना तेरी मम्मी आके एक मिनट में पूरा उजाड़ देंगी जैसे ही उन्हें पता चला कि उनकी साड़ी पहन के नंगी गंदी छत पे बैठा हुआ है तू। अरे यार कितनी ओवर एक्टिंग करके बताऊं मैं कि मेरे को दुख हो रहा है सच में कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है बेचारे को, तुम लोगों के घर में टंकी से सीधा पाइप के थ्रू नल में पानी आ जाता है, इस बेचारे कमसन चीला को छत पे जाना पड़ता है कसेंडी में पानी भर के लाता है छत से रोज सीढ़ियां उतर के, और दुख तो दोस्तों मेरी जिंदगी में भी है, तुम लोग वीडियो लाइक नहीं कर। मम्मी बहन के कपड़े का है लाओ पहन के रील बनाऊंगा, क्या मतलब बचपन में पहन लिया अम्मी मिलेंगे। बचपन में ना लड़कों को लड़कियों के कपड़े पहनाए जाते हैं बहुत, मतलब उनको खुद को भी शौक होता है, नेल पेंट लगाएंगे लिपस्टिक लगाएंगे बिंदी लगाएंगे, वो इसलिए क्योंकि मम्मी को पहन करता देखते हैं ना इसलिए करते हैं वो लोग, बाकी लड़का वो है टैलेंटेड। हाँ उसको डांस बहुत अच्छा आता है भाई, अब वो नहीं पता वो वैसे कपड़े अपनी मर्जी से पहनता है या फिर सिर्फ रील्स के लिए। मतलब समझ जाओ हम क्या कहना चाहते हैं, क्या बोलते से दिल की बातों को ऐसे ही समझ जाओ। वीडियो अच्छी थी गाइस, और 250 के लाइक करवा दो, मुझे देखना है वो रूपा का कौन सा चड्डा गिफ्ट करके घर जाके वो भी मजा ही आएगा। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें शेयर करें कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। For it's all